गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं मिल्के कैसे बनाते हैं। रक्षाबंधन आ रहा है तो उसके लिए घर की बनी मिठाई सबसे बेस्ट है। तो मिल्के बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने ये 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। 2 लीटर दूध के लिए लगभग 250 से 300 ग्राम चीनी का उपयोग करेंगे और 20 से 30 ग्राम हमें घी चाहिए। और ये हमने नींबू का रस लिया है जिसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला लिया है। और ये एक हमने बर्तन तैयार किया है ग्रीस करके, जिसमें हम अपना मिल्क केक जमाएंगे। और ये एक कढ़ाई ली है, इसमें भी हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है जिससे दूध नीचे ना लगे। अब आइए हम अपना दूध अपनी कढ़ाई में डालते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये दूध अपनी कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसे जब तक ये दूध उबल नहीं जाएगा तब तक हिलाएंगे। जब तक उबले ना तब तक इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। अगर आप बनाते हैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में तो कई बार दूध जब इतनी देर पकता है तो एल्युमिनियम के साथ हल्का सा रिएक्शन कर जाता है और कई बार मिल्के का रंग बहुत हल्का सा हरा भी हो जाता है। और लोहे की कढ़ाई का तो हम सबको पता ही है कि अलग अपने ही फ़ायदे होते हैं, तो हम प्रेफर करेंगे लोहे की कढ़ाई में बनाना। बाकी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो नॉन स्टिक या एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम इस दूध को जो हम जिससे मावा बना रहे हैं मिल्क केक बनाने के लिए, उसे ऐसे हिलाते हुए पकाएंगे। हिलाना स्पेशली जब तक दूध अपने ओरिजिनल क्वांटिटी से आधा ना हो जाए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर हम हिलाएंगे नहीं तो उसका नीचे लगने का डर रहेगा, और अगर दूध नीचे लग जाएगा तो हमारे मिल्क केक का पूरा टेक्स्चर और स्वाद सब ख़त्म हो जाएगा। इस मिल्क केक बनाने में सबसे डिफ़िकल्ट काम दूध को हिलाते रहना ही है, क्योंकि हिलाते हिलाते हाथों में वाकई में मानिए मेरी बात दर्द होने लगता है। पर जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपने बच्चों या अपने पति किसी से भी मदद ले सकते हैं, पर इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें। देखिए दोस्तों, हमें अपने दूध को उबालते हुए लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं। इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है और आप अगर ऐसे अपनी करछली पे या लेके देखेंगे तो इसमें हल्के हल्के से दाने से भी पड़ने लगे हैं, पर ये दाने अभी सिर्फ मलाई के हैं। और हम जब इसे चलाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल नीचे से चलाएंगे जिससे कढ़ाई में नीचे बिल्कुल भी दूध ना लग पाए। दूध अगर कढ़ाई में नीचे लगेगा तो वही जो मैंने पहले बताया था, टेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, हमारा दूध लगभग आधा हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने लिया है आधे नींबू का रस और उसमें मैंने 1.5 चम्मच पानी मिला लिया है। और ये रस हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और डालने के बाद थोड़ी देर चलाएंगे और फिर 1-2 मिनट बाद फिर डालेंगे। ये रस हम इसलिए डाल रहे हैं कि जैसे हम बाज़ार में देखते हैं कि मिल्क केक में दाने होते हैं, इस नींबू के रस को डालने से हमें वो दाने मिलेंगे। पर एक साथ हमें नहीं डालना है पूरा रस, अगर एक साथ डालेंगे तो दूध एकदम फट जाएगा और फिर हमें अच्छे दाने मिलने की बजाय ये दूध की कंसिस्टेंसी पनीर जैसी हो जाएगी। देखिए, हमने इसमें नींबू का जो रस था वो भी डाल दिया है, तो जैसे अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़े थोड़े से दाने पड़ने लगे हैं। और देखिए, मैंने कहा था ना अगर मिल के खाएंगे तो सब लोग, तो सबको काम पे लगाइए। अब मेरा हाथ इसे चलाते चलाते थक गया था तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया है इसे चलाने के लिए, तो आप भी ऐसे में अपने हस्बैंड और बच्चों का नजायज़ फ़ायदा जरूर। कि दोस्तों, हमारे दूध की कंसिस्टेंसी पक पक के ऐसी हो गई है। अब ये टाइम है जिसमें हम इसमें चीनी डालेंगे, पर जैसे हमने नींबू धीरे धीरे डाला था ऐसे ही हम लोगों को ध्यान रखना है कि चीनी भी हम धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ सारी चीनी नहीं डालेंगे। पहले थोड़ी चीनी डालेंगे, फिर जब वो पिघल जाएगी और इसमें फिर से उबाल आ जाएगा तब हम बची हुई ये आधी चीनी डालेंगे। एक साथ हम कोई भी काम नहीं करेंगे, सारा काम धीरे धीरे करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पहले जो चीनी डाली थी वो हमारी बिल्कुल पिघल गई है, अब हम इसमें बची हुई बाकी चीनी जो हमने ली थी वो डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको ऐसे चलाते हुए हमें पूरी चीनी को पिघलाना है। और जब चीनी डालने के बाद इसे हम 1 सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा एकदम से। देखिए, हमने इसमें अपनी पूरी जो हमने 230 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में चीनी ली थी वो पूरी डाल दी है और अब पिघल भी गई है वो सारी। अब इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी दिख रही है। अब ये वो टाइम है जहाँ हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालेंगे एक बार में, थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसको मिक्स करते हुए चलाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद बाकी घी डालेंगे। इस टाइम पे ये बहुत उछलता है तो प्लीज़ आप लोग अपने हाथों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें चलाना है तो हम इसे प्रॉपरली किसी चीज़ से ढक नहीं सकते, पर आप चाहें तो गैस डिम कर सकते हैं जिससे ये कम उछले।
देखिए ये अपने आप अभी से कढ़ाई छोड़ने लगा है, पर जैसे जैसे उसमें घी और पड़ेगा ये अपने आप जैसे हमारा सूजी का हलवा कढ़ाई छोड़ता है ऐसे ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। देखिए दोस्तों अब हमने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है और अब देखिए ये कढ़ाई से बिल्कुल कहीं भी नहीं लग रहा है। अब हम इसे 2-4 मिनट और पकाएंगे और फिर जो हमने अपना ग्रीस करके अपना बर्तन रखा हुआ है उसमें इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। आप अपने जिस भी यूटेंसिल में से जमने रखें उसमें घी लगाना ना भूलें, जिससे ये इजीली बाद में निकल आएगा। आपको दिख रहे हैं दाने कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। ग्रीस करके पैन रखा था, हम उसमें अपना ये पूरा मिल्क केक का बैटर पलट देंगे। कढ़ाई गर्म होगी, बहुत ध्यान से हमें ये काम करना है और जल्दी करना है, क्योंकि अगर मिल्क केक कढ़ाई में ठंडा हो गया तो वो वहीं जम जाएगा, फिर यूटेंसिल में नहीं जमेगा। देखिए ये सारा हमने अपने उसमें जमने वाले बर्तन में पलट दिया है। इसको ऐसे हल्का सा टैप करेंगे जिससे इसमें से सारे एयर बबल्स निकल जाएं। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऊपर से एक चम्मच घी लगा के इसको क्लीन कर सकते हैं और फिर इसको ऐसे ढक के किसी गर्म जगह पर रख दें। कुछ हलवाई वगैरह तो इसको गर्म कपड़े में या किसी और मोटे कपड़े में पैक करके रख देते हैं, जिससे इसमें वो डिफरेंट कलर्स की जो लेयर हमें दिखाई देती हैं वो आती हैं। जितना धीरे ये ठंडा होगा उतनी अच्छी लेयर्स हमें इसमें मिलेंगी। चलिए दोस्तों इसे जमने के लिए हम छोड़ देते हैं 5-6 घंटे के लिए। देखिए दोस्तों मैंने अपना यूटेंसिल ऐसे टॉवल से ढक के अपने स्टोर में रख दिया है, क्योंकि स्टोर में गर्मी रहती है तो ये धीरे धीरे से आराम से अपने आप ठंडा होके जम जाएगा। देखिए अब इसको हमें मिल्क केक को रखे हुए काफी टाइम हो गया, अब हम इसे निकाल के देखते हैं। तो साइड से थोड़ा ऐसे चाकू से वो कर लेंगे हम, जिससे आसानी से निकल आए। वैसे तो ये नीचे से भी आसानी से निकल आएगा, पर अगर ना निकले तो आप अपने बर्तन को 10-15 सेकंड के लिए गैस पे नीचे से तवा गरम, मतलब गरम कर लें। 10-15 सेकंड से ज़्यादा गरम ना करें, नहीं तो फिर वो नीचे से लग जाएगा। हमने अब ये डीमोल्ड कर लिया है अपने उसमें से और अब हम इसको काट के देखेंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, पर मिल्क केक थोड़ा मोटा मोटा और लंबा सा ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये बहुत स्मूथली कट रहा है। आप चाहें तो इसके ऊपर मगज के जो बीज होते हैं या और ड्राई फ्रूट, पिस्ता वगैरह, जैसा भी आप लोगों के घर में सब प्रेफर करते हैं वैसा बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा मिल्क केक तैयार है। क्योंकि मेरे घर में कोई मिल्क केक के साथ ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं। आप लोग भी इस रेसिपी के साथ मिल्क केक अपने घर पर ज़रूर बना के देखिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।